नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। सन 1991 में आज ही के दिन आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीर भूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वो एक दयालु व्यक्ति थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। देश भर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों के अच्छे दिन के सपने अभी फिलहाल टूटते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई की चौतरफा मार पड़ती दिख रही है, जहां दिल्ली में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। बता दें कि 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए। वहीं दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों की 75.61 रुपए की कीमत चुकानी होगी। नोएडा गाजियाबाद सीएनजी 78.17 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, तो वहीं कानपुर में 87.40 रुपए प्रति किलो सीएनजी मिलेगा। अलीगढ़ में ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद को लेकर खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने अब मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जामा मस्जिद की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। केशव देव का कहना है कि जामा मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो पूर्व में हिंदू राजाओं का किला रहा है, इस पर एक समुदाय द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार घरेलू एलपीजी दामों में बढ़ोतरी को लेकर मुरादाबाद की जनता में भारी रोष देखने को मिला, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बातचीत की तो इस दौरान जनपद के लोगों ने कहा कि गैस के लगातार दाम बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ गया है और जब सरकार ने उन्हें सिलेंडर दिया था तो उसकी कीमत 600 से 700 तक की थी और सब्सिडी भी मिलती थी, जबकि अब सरकार ने सब्सिडी भी खत्म कर दी है। जी, क्या नाम है आपको? कुमारी। सरकार ने अभी 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की है और 7 मई को 50 रुपए बढ़ाए थे। लगातार तो बढ़ी रहे हैं, मतलब एलपीजी पैसे बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू बजट क्या जा रहा है, खराबी हो रही है, वो तो मतलब है। अब दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है, पैसों की परेशानी हो रही है। अब इतना महंगा नहीं ले पाएंगे तो पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से ले पाए। सिलेंडर आपने हटवा दिया हमारे। क्या नाम है आपका? अमीर जहाँ। मैं तो जिगर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। अरे सिलेंडर हटे हुए हैं तो बताए, इस महंगाई में हम क्या कर लेंगे और कहाँ से खा लें, कहाँ से पहन लें। मजदूर आदमी हम, रान बेवा आदमी, कहाँ से लाएंगे ये बताइए आप मुझे। लगातार पैसे बढ़ा जा रहे हैं सिलेंडर। हाँ, पे बढ़ रहा जा रही है आपको तो भाई साहब, हमें इतने ले सिलेंडर का क्या करना बताओ। हमें वो जला लें मट्टी, यही उपले जला लें, फिर क्या करें। मेरा नाम सुहेल है। जिस तरीके से एलपीजी गैस पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? ये लगता है कि घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है। जब घर में जाओ तो कहते हैं सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर पे आए दिन 3 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये से करके बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि एलपीजी अब जो है घर में जलाना मुश्किल हो गई है। अब लकड़ी लाएं तो लकड़ी से ज़्यादा महंगी है, तो कैसे काम चलेगा, कैसे बजट घर का पूरा होगा। आशु नाम है मेरा। देखिए, अभी सरकार ने सबसे पहले जो बढ़ाए हैं 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की है एलपीजी घरेलू सिलेंडर पे। लगातार सरकार जो है गैस एलपीजी वाले पे लगातार पैसे बढ़ा रही है। अभी 7 मई को सरकार ने 50 रुपए बढ़ाए थे। अगर ऐसी लगातार गैस पर पैसे बढ़ते रहेंगे तो जो घरेलू औरतों का जो बजट होता है वो काफ़ी बिगड़ जाएगा, और बिगड़ भी रहा है, क्योंकि जो सिलेंडर पहले 600 रुपए का होता था अब 1000 के पार। यूपी
यूपी के बहराइच में नेपाली यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस और टैंकर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई और करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। टूरिस्ट बस में लगभग 17 लोग सवार थे। वहीं सभी घायलों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में जारी है। बता दें कि सभी यात्री दिल्ली से नेपाल जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बहराइच लखनऊ मार्ग पर गोलवा घाट के पास हादसा हुआ है। दिल्ली से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कितने लोग गाड़ी में टोटल थे? तीन। कितने लोग घायल हुए? सुबह लगभग 6:45 बजे के आसपास सूचना मिली कि लखनऊ मार्ग पर एक ग्रीनर गाड़ी और टैंकर से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और उनको अस्पताल भेजा गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है और लगभग 11 लोग उसमें घायल हैं और सबका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। श्रावस्ती के थाना कोतवाली क्षेत्र भिनगा के सेमरी चक पिनाही में एक नाबालिग इलाज कराने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंचा, जहां संतोष कुमार वर्मा ने नाबालिग अरुण कुमार के पैर में इंजेक्शन लगाया और दवाएं भी दी, जबकि इलाज के दूसरे दिन ही नाबालिग का पैर खराब हो गया और दवाओं से उसके पूरे शरीर में इंफेक्शन हो गया, जिसके बाद नाबालिग की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से कस्बों और गाँवों की गलियों से लेकर चौराहों तक अवैध मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी जांच सेंटर की भरमार है, जिसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुप्ता। कहाँ रहते हैं? क्या मामला हुआ है आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के साथ सर, हम दवा कराने लेके आए तो हमने कहा कि हमारे बच्चे को देखो इंजेक्शन मत लगाना, दवा दे दो, तो वो बोले ना इंजेक्शन के अलावा ठीक ही नहीं होगा, तो हमारा बच्चा रोने लगा। हमने कहा रहने दो भैया मत लगाओ, वो कहने लगे नहीं इंजेक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा। फिर उनका भाई पकड़ के और लगा दिया, जैसे लगाया इंजेक्शन कि वो बेंच पर से नहीं उठ पाया और घर से पैदल चल के। इस खबर पे हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी चाहेंगे, आखिर किस चीज का इलाज कराने नाबालिग गया था? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में झोला छाप डॉक्टरों का मकरजाल शहर से लेकर के गांव तक फैला हुआ है, जिसका स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल कुंकर्णीय नींद सो रहा है, उसका कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसमें 27 तारीख को एक नाबालिग का इलाज कराने मेडिकल स्टोर पर गए थे, जहां पे उसको गलत इंजेक्शन दे दिया गया और दवा भी दिया गया, जिससे उसके शरीर में इंफेक्शन हो गया। और जब वो लखनऊ लेकर के अपने बच्चे को दिखाने गया तो वहां डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि नस पंचर हो गया है। जी प्रदीप, झोला छाप डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों के बारे में भी जानकारी चाहेंगे, किस तरह से इन लोगों की लापरवाही देखने को मिलती है और इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है? देखिए कई बार ऐसे खबर चैनलों पे चलाए गए हैं, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री को, डीएम, एसपी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टरों को दवा करने के लिए छूट दे दी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़े थे श्रावस्ती से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, जिससे लोग स्वास्थ्य और निरोगी रहने के साथ ही साथ अपने हेल्थ के प्रति जागरूक भी रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक महीने पहले से ही औरैया की जनता को योग के प्रति मोटिवेट किया जा रहा है, जिसके लिए जिला अधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने योगी शिविर में हिस्सा लेते हुए लोगों से भी योग करने की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरकार की और हमारे भारत सरकार की मंशा है कि लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उसके तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, जो हमारे भारत की ही पहल पे शुरू हुआ है। उसके तहत ये था कि एक महीने पहले से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि एक दिन केवल न करके 21 जून को, बल्कि एक महीना तक अभ्यास करें। उसके तहत आज 21 मई को इसकी शुरुआत की गई है
और लोगों से आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि इसका अनवरत अभ्यास करें और 21 जून को इसी ग्राउंड में एक वृहत योगा दिवस का आयोजन हम लोग करेंगे जिसमें सहभागी। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के बरुई में एक दामाद ने अपने ही सास ससुर पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सास ससुर दोनों लहूलुहान हो गए और सास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ससुर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे कांड पर मृतका की बेटी का कहना है कि उसके पति ने अपने साथी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और परिजनों के मुताबिक युवती की विदाई को लेकर आरोपी पति का अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा था, जिसके उसने दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया। नन्नी क्या मामला हुआ पूरा बताएं। पूरा बाबूजी कुछ नहीं मामला, वो लड़की की जुलम हो रहा है तो खाना वाना कहीं नहीं बनाए बना के दे पीबो, शहर में आ रहा है इनकी मम्मी कहीं खाना नहीं बना के दे पीबो, तो अपनी मेरी मम्मी तरफ फोन करें तो मेरी मम्मी कहीं हम ले जाइए भाई, तो मेरी मम्मी ले आए यहाँ हम रहा 3 महीना गए रहा है, फिर लेवाए ले गए रहा है, फिर हम चले गए कहीं भी क्या जाओ उसके बाद में आप पठाई देने तब ले गो ही तेने, तो हमका कुछ खाए पैक ना लाता है तो हम अपने मम्मी तरफ फोन करें, हम कहें मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी गई ले आई। गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी को होम बार लाइसेंस जारी किया गया है, ये लाइसेंस जिला आबकारी विभाग द्वारा दिया गया है। गाजियाबाद में जारी होने वाले ये पहला होम बार लाइसेंस है, जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारी ने दी। आबकारी विभाग ने बताया कि यूपी सरकार ने 2021-22 की आबकारी नीति में एक व्यक्तिगत बार का प्रावधान पेश किया है। इस प्रावधान के अंतर्गत लोग घर पर भी 2 बोतल से अधिक शराब रख सकते हैं। होम लाइसेंस लेने की क्या प्रक्रिया है और कितना समय इसमें लगता है? होम बार लेने के लिए बहुत टफ प्रक्रिया नहीं, बहुत आसान है मिलना, और इसके लिए समय क्या आप अप्लाई करेंगे 2 दिन के अंदर लाइसेंस आपको जारी हो जाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 20% के स्लैब में, इनकम टैक्स स्लैब में 5 साल तक आपको इनकम टैक्स भरे हों तभी आपको मिलेगा, सबको नहीं मिल सकता। पता चला कि इनकम टैक्स पे ही नहीं है उनको होम बार लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। कितना समय लगता है सर इसमें? 2 दिन अप्लाई करेंगे, दूसरे दिन लाइसेंस जारी हो जाएंगे। कितने लोगों ने गाजियाबाद में अभी आबकारी विभाग में अप्लाई किया? नहीं, अभी तो एक ही अप्लाई किए थे, उनको जारी हो चुका है, अभी कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं आया है, संभावना है कि 4-5 जल्दी। गाजियाबाद की लोनी में बहटा नहर रोड पर टेम्पो में 3 गाय और तमंचा लेकर जा रहे गौ तस्करों की एसपी ग्रामीण, एसओजी और थाना लोनी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि मौके से तस्कर का एक साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कि गोवंश की चोरी एवं गोवध करने का कार्य करते हैं। इस सूचना के आधार पर एसओजी ग्रामीण टीम एवं थाना लोनी बॉर्डर की टीम ने आज नाकेबंदी किया हुआ था। उसी दौरान सीआई ब्लॉक लालबाग की तरफ से एक मैजिक आते हुए सफ़ेद दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो काफ़ी तेज़ी से मैजिक भगाते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की गई। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए और जवाबी फायरिंग किया, बदमाश गाड़ी रोक करके भागने लगे, जिसके दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ और दूसरा अंधेरे। संभल के नाथे नवाबपुरा के ग्रामीणों द्वारा राशन डीलर पर धांधली का आरोप लगा है और जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सप्लाई सेक्टर दीपक श्रीवास्तव से की है। वहीं डीलर ग्रामीणों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन ना देकर आधा राशन देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर हम राशन डीलर से अपना राशन पूरा देने को कहते हैं तो वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बता दें कि मामले में DM ने जाँच के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है अंकल आप? मेरा नाम मुराद बोल जाते हैं। कहाँ के रहने वाले? जी क्या मामला आपके हैं? सर राशन वाला जो है बड़ा दिक्कत है, लोगों को धक्के देता है, गाली देता है और राशन नहीं देता है। कौन सा गांव है? ये है नवाबपुरा, नाटेर में लगता है। 5 किलो देव है। क्या नाम है डीलर का? डीलर का क्या नाम है? डीलर का नाम है रुकैया बेगम। अच्छा क्या मामला आप बताइए? मामला ये था, अंगूठा लगवा लेता और कहता तुम्हारा अंगूठा नहीं है। अच्छा कितना राशन दे रहा है एक यूनिट पे? कभी 2 किलो दे रहा है, कभी 3 किलो, एक आध महीने, 2-1 महीने में एक आध बार। आपको दे रहा है ये सभी को?
फरुखाबाद में सेल टैक्स कर्मचारियों और अधिकारियों की दबंगई देखने को मिली है, जहां फॉर्चूनर रिफाइंड लेकर जा रहे ट्रक चालक को सेल टैक्स कर्मियों ने जमकर पीटा। वहीं इस मामले पर ट्रक चालक का कहना है कि उसके पास गाड़ी और माल के सभी पेपर मौजूद थे, जिसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। जबकि सूत्रों की माने तो सेल टैक्स कर्मचारी थाना राजपुर क्षेत्र के तिराहे पर ऐसे ट्रकों से जमकर अवैध वसूली करते हैं और सेल टैक्स के नाम पर काली कमाई को अंजाम देते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में SBS कॉलेज ग्राउंड पर लगी प्रदर्शनी के दौरान मामूली सी बात पर दो पक्षों में बहस हो गई। ये बहस उसके कुछ देर बाद विवाद में बदल गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग होने लगी। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर भी सामने आई है। दूसरी ओर हमले की जानकारी लगते ही पुलिस बल की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हालत काबू में पा लिया गया। तनाव को देखते हुए फोर्स और PAC को तैनात कर दिया गया। ताजा जानकारी के अनुसार अब स्थिति काबू में है। क्या बात हुई थी, पूरी बात शुरुआत से बताओ। बात ये हुई थी कि हम उधर से आ रहे थे बाइक लेके अपनी, 25-30 लड़के थे, सभी मुस्लिम थे, यहीं के थे सब, नफीस खलीफा थे, उनके लड़के फैजी थे और लोग थे यहाँ के। उन्होंने हमको घेर लिया, उसके बाद मारा, गुम्मे पत्थर भी चलाए, बेल्टे भी मारी, उसके अंदर गली में ले गए घुसेड़ के, वहाँ पे भी मारा। किस बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई? बात किसी नहीं थी, हम वहाँ से सिर्फ आ रहे थे बस। नुमाइश में कोई बात हुई थी? उससे पहले वो लड़का जो था वो नुमाइश में छिनई कर रहा था, मतलब जैसे उसकी वहाँ पे उसकी मार पड़ी। हम लोग भी वही बस थे तो उसने हम लोग को देखा तो हमको उसने अकेला पाया, इसीलिए उसने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत भारत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में गिरावट आने के साथ भीषण गर्मी और हीट वेव से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अधिकतम तापमान अब 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जो बीते सप्ताह से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री रह सकता है, जबकि गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री रह सकता है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में सिविल न्यायालय कोर्ट सभागार कक्ष का सांसद भोला सिंह ने शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन शिकारपुर के तहसील क्षेत्र तहसील अध्यक्ष नेम सिंह सूर्यवंशी और सचिव प्रदीप गिरी करीब 2 साल से सिविल कोर्ट बनाने की मांग सांसद से कर रहे थे। वहीं जनता को सिविल कोर्ट की सौगात मिलने के बाद शिकारपुर तहसील की जनता ने कहा कि सिविल न्यायालय कोर्ट बनने से बुलंदशहर जाने में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब लोगों को उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैं सभी शिकारपुर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और अपने उच्च न्यायालय के जिलाधीशों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिकारपुर के लिए जो ग्रामीण एरिया था उसमें न्यायालय की स्थापना के लिए आदेश दिए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि अब हमारे जो भी क्षेत्रवासी हैं उनको न्याय के लिए जनपद स्तर पर नहीं जाना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया उनको यहीं पे हो जाएगी, तो आने जाने का उनका समय भी बचेगा। और क्योंकि केस अगर प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।